लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अभियान शुरू कर दिया। रविवार को केजरीवाल सहित अन्य आपके नेताओं ने दिल्ली में घर घर जाकर वोट मांगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से वोट देने के साथ ही इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को चंदा देने की अपील की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस चुनाव अभियान की शुरुआत गोल मार्केट जैन मंदिर के पास घर घर जाकर वोट मांगकर की। बता दें कि आपके सभी नेता अलग अलग इलाकों में भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं। वे लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस कैंपेन के तहत अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर लोगों से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट और चंदा देने की अपील करेंगे। घर घर जाकर अनुरोध करेंगे कि चाहे 100 रुपए, 1000 रुपए या 10000 रुपए जितना भी दे सकें, हर महीने इस राष्ट्र निर्माण के काम में जरूर योगदान करें। इस तरह से रविवार से आम आदमी पार्टी के सभी नेता और हजारों कार्यकर्ता दिल्ली भर में सड़कों और गलियों में वोट मांगते नजर आने लगेंगे। इस कैंपेन के माध्यम से दिल्ली में भाजपा के 7 सांसदों की पोल खोलते हुए लोगों को ये समझाया जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताना क्यों जरूरी है, इससे दिल्ली के लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। पार्टी कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाकर लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि 2014 में आपने दिल्ली से भाजपा के 7 सांसद चुने, इनमें किसने आपके लिए काम किया, केजरीवाल ने या 7 सांसदों ने।